औसत चाल की तरह ही औसत वेग का भी सिद्धांत होता है। औसत चाल कुल दूरी बटे कुल समय के बराबर थी, उसी तरह औसत वेग होता है कुल विस्थापन बटे कुल समय। इसे अपनी कॉपी में लिख लें। यदि वस्तु का वेग समान रूप से परिवर्तित हो रहा हो तब हम यह कह सकते हैं कि औसत वेग बराबर प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटे दो। प्रारंभिक वेग के लिए प्रतीक होता है u, अंतिम वेग के लिए प्रतीक होता है v। इसलिए वेग में समान रूप से हो रहे परिवर्तन के लिए औसत वेग बराबर u प्लस v बटे दो होता है। इसे आप अपनी कॉपी में लिख लें। चलिए अब हम एक और उदाहरण देखते हैं। राकेश अपने घर से 150 मीटर दूर एक दुकान से चीनी लेने जाता है और 5 मिनट के कुल समय के बाद वापस आ जाता है। इसके लिए औसत चाल तथा औसत वेग ज्ञात करें। आइए इस परिस्थिति के लिए रेखा चित्र बना लें। हमने पढ़ा है कि औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय होता है। यहाँ पर राकेश अपने घर से दुकान जाता है तो वो 150 मीटर तय करता है और वापस दुकान से घर आता है तो दोबारा 150 मीटर तय करता है। तो इस प्रकार कुल दूरी क्या होगी, 150 × 2 बराबर 300 मीटर, और हमें दे रखा है कुल समय बराबर 5 मिनट। चाल का मात्रक मीटर पर सेकंड है, इसलिए हम समय को सेकंड में बदल देंगे। हमें पता है 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होते हैं, इसलिए 5 मिनट बराबर 5 × 60 बराबर 300 सेकंड। इसलिए औसत चाल बराबर 300 मीटर बटे 300 सेकंड बराबर 1 मीटर पर सेकंड होगा। आप इसे अपनी कॉपी में लिख लें। औसत वेग बराबर कुल विस्थापन बटे कुल समय होता है और कुल विस्थापन बराबर प्रारंभिक तथा अंतिम स्थिति के बीच की दूरी होती है। राकेश अपने घर वापस आ गया है, इसलिए उसकी प्रारंभिक स्थिति उसके अंतिम स्थिति के समान होगी। इसका मतलब कुल विस्थापन बराबर 0 होगा और कुल समय हमें पता है 300 सेकंड है। इसलिए औसत वेग बराबर 0 मीटर बटे 300 सेकंड यानी कि 0 मीटर पर सेकंड होगा।